A, B, C and D are four persons of a family. A is the daughter of B. A is the daughter of B. ये B की daughter है. Daughter है. B is the son of C. ये son है C का. C is the father of D. C is the father of D. ये son और daughter का नहीं पता. सिर्फ D का father C है. इसका मतलब है ये male है. Father of B and father of D. अब question दिया गया है, which statement in the following is true? A. D and B are brothers. D and B. D and B are brothers. ये D के बारे में हमारे पास कोई information नहीं है कि ये son है या daughter. इसलिए ये brother होने का हम नहीं बता सकते. ये confirm है कि B is the son. लेकिन डी के बारे में नहीं पता कि सन है या डॉटर है सी का. अगर ये डॉटर है तो ये बहन भाई होंगे, और अगर ये सन है सी का तो ये ब्रदर होंगे. इसलिए ए ऑप्शन ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि कंफर्म नहीं है. बी ऑप्शन है ए इज़ द डॉटर ऑफ डी. ए इज़ द डॉटर ऑफ डी. नो, ये बी की डॉटर है इसलिए ये भी गलत है. सी, इफ़ डी इज़ द डॉटर ऑफ बी. अगर ये डी इसकी डॉटर होती, डी यहाँ होता है इस लेवल में, और ये भी डॉटर होती तो ये लाजमी तौर पर आपस में सिस्टर होंगी. अगर डी बी की डॉटर होती तो बी की डॉटर ऑलरेडी ए भी है, तो फिर ए और डी दोनों सिस्टर्स होती हैं, इसलिए ये ट्रू है. अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो सी इज़ द अंकल ऑफ ए. सी इज़ द अंकल ऑफ ए. नो, ये इसका इसके एक्चुअली ग्रैंड फादर हैं. ग्रैंडफादर हैं ए के, इसलिए सी इज़ द अंकल ऑफ ए भी ट्रू नहीं है. तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट आंसर हो सकता है. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी.